नमस्कार, मेरी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो नवरात्रों के अंदर हम उसको बनाकर खा सकते हैं, जिसका नाम है सिंगाड़े का हलवा। जिसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने सिंगाड़े का आटा लिया, मैंने लिए हैं काजू 7 से 8, चीनी, घी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर जो मैंने सिंगाड़े का आटा लिया है वो इसके अंदर डालना है और इसको लो फ्लेम पर हमने ब्राउन होने तक इसको रोस्ट करना है। इस तरह से ये जो मैंने सिंगाड़े का आटा लिया था इसको मैंने लो फ्लेम पर 15 मिनट तक रोस्ट किया। ये देखिए ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए किसी बर्तन के अंदर निकालना है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर पानी या घी गर्म में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि अगर हम ये सब कुछ अभी ऐड कर देंगे तो इसके अंदर जो है लम्स पड़ जाएंगे, जो कि हमारा फिर हलवा अच्छी तरह से रेडी नहीं होगा। तो अब मैंने गैस को बंद कर देना है और इसको बर्तन रेडी का आटा हमारा ठंडा हो रहा है तब तक मैं चाशनी रेडी करती हूँ। मैंने एक ग्लास से हाफ ग्लास तक मैंने पानी लिया है और इसके अंदर मैंने चीनी ऐड करी है। जितनी मैंने सिंगाड़े का आटा लिया था उतनी ही मैंने एक कटोरी चीनी ली है और इसको मैंने अब इसकी अच्छी तरह से मिलाकर चाशनी रेडी करनी है। ये हमारी इधर चाशनी रेडी हो रही है, तब तक मैं ये हमारा सिंगाड़े का आटा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको पानी के अंदर डालकर मिक्स कर रही हूँ। पानी हमें ठंडा ही लेना है। इसका एक ही आसान तरीका है इसको अच्छी तरह से बनाने का, जिससे मैंने सिंगाड़े का आटा लिया था एक कटोरी उससे हमने 3 गुना पानी ज़्यादा लेकर उसके अंदर ठंडा करके इसके अंदर एक गोल रेडी करना है। ये मैंने इसके अंदर सिंगाड़े का आटा डाल दिया और इसको मैंने अच्छी तरह से इसका गोल रेडी करना है बिना किसी गुठलियाँ पड़े हुए। ये देखिए ये मैंने गोल रेडी कर लिया है। देखिए एक भी लम्ब नहीं रहा इसके अंदर। इधर हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैंने जो ये मिक्सर है वो इसके अंदर डालना है धीरे धीरे इस तरह से, और इसको अब हमने हाई फ्लेम पर इसको मैंने अब पकाना है। ये देखिए ये जो हमारा पतला गोल था ये बिल्कुल बनकर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। ये मैंने 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको मैंने पकाया है। ये देखिए इसी तरह से हमने इसको अभी थोड़ी देर और हमने अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक इसको मैंने इसको पकाना है। ये अभी हमारा हलवा रेडी हो रहा है। तो अब मैंने इसके अंदर जो घी लिया था वो ऐड करना है। घी मैंने 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने इसके अंदर इसी तरह से मैंने अभी इसको घी डालने के बाद ये मैंने इसकी तरह से इसको चलाते हुए इसको रेडी। हमारा सिंगाड़े का हलवा था, ये देखिए ये बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इसने साइडों में से जैसे नॉर्मल हलवा आटे का हलवा या सूजी का हलवा हम बनाते घी छोड़ते हैं, तो इसने भी जो हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डाला था वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने काजू लिए थे वो इसके अंदर मैंने ऐड करने हैं और इनको आप ड्राई फ्रूट में कुछ भी ऐड कर सकते हो, काजू बादाम जो भी आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से। और अब मैंने इसको लो फ्लेम पर 2 मिनट तक, ज़्यादा नहीं हमने वो करना, 2 मिनट तक अब हमने। ये हमारा सिंगाड़े के आटे का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो थोड़े से मैंने काजू को रखे थे वो मैं गार्निश के तौर पर इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए ये हमारा सिंगाड़े का आटे का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको नवरात्रों के अंदर अपने व्रत के अंदर इसको जरूर खाइएगा और ये बहुत ही अच्छा बना है। तो आप अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।